जिला पुलिस अधीक्षक के अपने पुलिस फोर्स के बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कदम। पुलिस परिवार के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट हेतु पुलिस लाइन में लाइब्रेरी के साथ ही शुरू होगा पुलिस कल्याण कोचिंग सेंटर। गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा अपने पुलिस परिवार के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट हेतु सराहनीय पहल की जा रही है। इस हेतु उनके द्वारा पुलिस लाइन में एक लाइब्रेरी खोले जाने के साथ ही बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उचित गाइडेंस हेतु कोचिंग दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा आज दिनांक 1 मई 2023 को पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में गुना पुलिस बल एवं 26वीं वाहिनी के अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों व उनके परिजनों की एक मीटिंग ली गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह, डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा, डिप्टी कमांडेंट 26वीं वाहिनी उत्तम तिवारी, एसडीओपी गुना युवराज सिंह चौहान, रक्षित निरीक्षक राजीव खरे, निरीक्षक शैलेश तिवारी 26वीं वाहिनी गुना आदि अधिकारियों द्वारा पुलिस परिजनों व बच्चों से चर्चा कर उनके शिक्षा व अभिरुचि के बारे में जानने के साथ ही बच्चों की आवश्यकता अनुसार पुस्तकें लाइब्रेरी में संग्रहित रखने के सुझाव दिए गए। और मैं 12th क्लास में मैं PCM मेरा सब्जेक्ट है और मैं इंजीनियरिंग हूँ। PCM सब्जेक्ट का अपने मन है। तो सब्जेक्ट कौन सा है? जैसे मान लो हम अभी हमने कहा कि हम जो है मैथमेटिक्स साइंस के सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो हम ये चाह रहे थे कि हम जो लर्निंग प्रोसेस में ऐसे कौन से, जैसे मेरा माना है कॉमन जो चीज़ रहती है मैथमेटिक्स और एबी कुछ चीज़ ऐसी रहती है, इनके हमें एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहिए। मैं वो जानना चाहता हूँ कि इस पर कितने सहमत हैं या फिर और कोई डिपार्टमेंट है, तो फिर हम उसके हिसाब से अपने काम करें। My name is Ayush Yadav. I'm in class 10th and I want to become IAS officer. The department kya hai? Subject bhi do extra. Aap 10th mein hain, iske baad mein aap kya PCM ko kya degree lena chahenge? Jaise science aur maths ki class to rehni chahiye. 10th aur 12th kiya, 12th ke baad what about? 12th ke baad main NIT से अपनी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं UPSC के लिए तैयारी करूँगा। NIT क्यों, IIT क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मुझे IIT की जरूरत नहीं है, मुझे UPSC करना है। मतलब ग्रेजुएशन की आवश्यकता है, सर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना उसकी मुझे ज़्यादा बढ़िया। और जैसे कि फिजिक्स भी हम स्थापित हो ताकि भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें बन सके। इसी के साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चाहे वो हाईटेक जो अपने पास में असेट्स होते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसके माध्यम से हर प्रकार का जो सब्जेक्ट है वो हमको गूगल पर मिल जाता है, लेकिन इसे यूज कैसे करें, किस प्रकार से हमारे मन और मस्तिष्क में इस प्रकार की एजुकेशन अंदर आए ताकि हम उस विषय के अंदर एक तरह के अपना अपना जो उसमें अच्छे ढंग से इफेक्ट डाल सकें, तो यही आज इस मीटिंग का उद्देश्य है। तो इस मीटिंग में आप सोचिए, हम लोगों ने अभी एक फॉर्मेट तैयार किया था और पूरे जिले के पुलिस अधिकारियों को वो फॉर्मेट भेजा था कि उस संबंध में उसमें ये कहा गया था कि अपने बच्चे का नाम, एजुकेशन, किस कक्षा में पढ़ रहे हैं वो, और क्या अभिरुचि रखते हैं, किस विषय में उनको इंटरेस्ट है, उसकी जानकारी हमको देवे। तो हमको अभी तक लगभग 170 फॉर्म मिल चुके हैं, बाकी के लोगों से भी आग्रह है कि वो ही जो है इसी प्रकार से अपने उसको भर के जल्दी भेजें, ताकि हम उन सभी चीज का अध्ययन करने के बाद में 7 या 8 मई से इसी कक्ष में एक कोचिंग सेंटर खोल सकें। तो मेरा इसी संबंध में SP साहब से अनुरोध है कि वो भी अपने दो शब्द इस संबंध में उद्बोधित करने का कोशिश करें। थैंक यू। बापू पार्क में बिजली गुल, कचरे के लगे ढेर,
नपा में नेता प्रतिपक्ष वशिष्ठ ने जताई नाराजगी। खबर गुना से आ रही है, शहर के बापू पार्क में बिजली गुल और कचरे के ढेरों पर कांग्रेस नेता और नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कैंडल जलाकर रोशनी भी बिखेरी। वहीं श्री वशिष्ठ ने भाजपा और नगरपालिका प्रशासन को भी घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें महात्मा गांधी के फोटो लगाकर स्वच्छता अभियान चलाकर ढोंग कर रही हैं, जबकि शहर के बापू पार्क में जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है, वहां पिछले 15-20 दिन से अंधेरा पसरा हुआ है, बिजली गुल है। इतना ही नहीं, बापू पार्क में कचरे के ढेर लगे हैं, जबकि स्वच्छता को लेकर शहर नगरपालिका सहित प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कई अधिकारियों तक को इस काम में लगा दिया है, इसके बाद भी ये हाल है। शेखर वशिष्ठ ने कहा कि मैं नगरपालिका प्रशासन को 3 दिन का समय दे रहा हूं और मांग करता हूं कि बापू पार्क में बिजली की तुरंत व्यवस्था की जाए और कचरे के ढेरों को हटाने के साथ यहां साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम यहां धरना देकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बात साफ है और ये है कि बीते 15-20 दिनों से हमारे शहर के बीचों बीच बापू पार्क स्थित है, वहाँ की विद्युत व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और प्रशासन को सूचना देकर यह जागरूक करने का प्रयास किया है कि एक तरफ केंद्र की सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छता संदेश देश में देने के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उपयोग कर रही है, और दूसरी ओर शहर के बीचों बीच नगरीय निकाय क्षेत्र में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा बीते 20 दिनों से अंधेरे में है। बार बार प्रयास करने के बाद भी हमारा नगरीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, यह बड़ी घोर लापरवाही और शर्म की बात है। इसी के साथ यहाँ जो शौचालय स्थित है, वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। बापू के चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जबकि स्वच्छता का बखवाड़ा चल रहा है। हर वार्ड में जिले के आला अधिकारी तैनात किए गए हैं प्रशासन द्वारा, इसके बाद भी यह स्थिति है। अधिकारियों को अनुरोध करने के बाद भी, उन्हें समाचार देने के बाद भी आज नगरीय प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, बड़े विडम्बना की बात है, बड़े शर्म की बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की ज्योत जलाई और देश को उजाले में और जागरूकता की ओर हर संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया है। आज देश अगर किसी मुकाम पर खड़ा है तो महात्मा गांधी के बताए पदचिन्हों, उनके मार्गदर्शन के आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का त्याग और बलिदान देश के लिए किसी से छुपा नहीं है, और ऐसी स्थिति आज बापू पार्क में है, यह नगरीय प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं अनुरोध करूंगा नगरीय प्रशासन से कि यथाशीघ्र यहाँ की विद्युत व्यवस्था को सुचारू करे, यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था, यहाँ की शौचालय व्यवस्था ठीक करे, यहाँ की क्या ठेका प्रथा है वहाँ की दुरुस्ती करे, और अगर इस तरह की अनदेखी और नगरीय प्रशासन की मनमानी चलती रही, आगामी 3 दिनों बाद हम यहाँ धरने प्रदर्शन पर उतारू होंगे। बहुत बहुत यज्ञ कथा और दिव्य दरबार की तैयारियां जोरों पर। 5 मई को निकलेगी कलश यात्रा। आयोजन स्थल पर हुई बैठक आई कई सुझाव। मां 20 भुजा देवी मंदिर के विस्तार, नवीनीकरण और नवग्रह मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ शहर के दशहरा मैदान पर आयोजित होने जा रहे धार्मिक महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मां 20 भुजा देवी मंदिर समिति और नीरज निगम मित्र मंडल के द्वारा सभी के सहयोग से इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। दशहरा मैदान में 4 मई से 10 मई तक कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इसमें काशी के विद्वानों की मौजूदगी में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होगा। वहीं 6 मई से पौंडरिक गोस्वामी महाराज द्वारा श्री राम कथा की जाएगी। यज्ञ और कथा के समापन वाले दिन 10 मई को ओगेश्वर धाम वाले यज्ञ और कथा के समापन वाले दिन 10 मई को भागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का दिव्य दरबार सजेगा। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर दशहरा मैदान में यज्ञशाला, भोजनशाला और कथा के लिए विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। 5 मई को निकलेगी कलश यात्रा। या गौर कथा के शुभारंभ से पूर्व 4 मई को सुबह 7 बजे से शहर में एक विशाल कलश यात्रा निकलेगी। इसमें 14,000 से 20,000 महिलाएं व श्रद्धालु शामिल होंगे। कलश यात्रा के लिए 14,000 कलश समिति मंगा चुकी है। इसमें 8,000 वितरित भी
किए गए हैं। आयोजन को लेकर हुई बैठक में आए कई सुझाव। भव्य और दिव्य कार्यक्रम की तैयारियों के बीच बैठकों के दौर भी चल रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को दशहरा मैदान में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न समाजों संस्थाओं के प्रतिनिधि और समाजसेवी जुटे। वहीं कलश यात्रा से लेकर आने कार्यक्रमों को लेकर सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। इसमें कलश यात्रा के स्वागत से लेकर मांग रुको और घरों में लाइटिंग करने तथा धर्म पताकाएं फहराने का सुझाव आया। इसके अलावा यज्ञ और कथा कार्यक्रम स्थल पर किए जाने वाले महत्वपूर्ण इंतजामों को लेकर लोगों ने अपने सुझाव रखे। बैठक रखी गई थी, सभी को बुलाया गया था, तो किस तरह की बैठक थी, क्या था? बैठक अब जैसे जैसे 5 तारीख नज़दीक आ रही है और लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, तो लोगों में एक अलग जगाने के लिए और लोगों को एक संदेश देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक के माध्यम से एक संदेश हम लोगों देना चाहते हैं और दे रहे हैं कि आने वाले समय में सनातन का जो प्रचार प्रसार है, सनातन की जो अलख है, वो कैसे युवाओं में बढ़ती जा रही है और पूरे देश में एक सनातन का झंडा जो बुलंद होगा वो आने वाले समय में आप सबको देखने को मिलेगा। और उसी के तारतम्य में हमारा 20 बजे माता मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण होगा, उसमें वहाँ पे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए नवग्रह मंदिर का भी भव्य निर्माण करने की हमारी कार्य योजना है। उसी संकल्प के लिए ये हमारा लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस एवं SAF परिवार के बच्चों के लिए लाल परेड ग्राउंड पर शुरू हुआ संयुक्त समर कैंप पुलिस अधीक्षक एवं कमांडेंट द्वारा किया गया कैंप का शुभारंभ। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों पर गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा गुना पुलिस बल एवं 26वीं वाहिनी के अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट हेतु दिनांक 1 मई से 15 मई 2023 तक लाल परेड ग्राउंड एवं ऑफिसर्स क्लब में संयुक्त रूप से समर कैंप ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आयोजित कराया जा रहा है। इस कैंप का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में कराया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, कबड्डी आदि खेल विधाएं खेल विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा संचालित कराई जाएगी। गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 1 मई 2023 को उपरोक्त समर कैंप का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा समर कैंप आयोजन स्थल ऑफिसर्स क्लब में शुभारंभ किया गया, जो दिनांक 15 मई तक प्रतिदिन प्रातः 7:30 से 9 बजे तक संचालित किया जाएगा। मियाना पंचायत परिसर में लगाई गई ऑनलाइन लाडली बहनों की लिस्ट। ग्राम पंचायत मियाना में आज लाडली बहनों के ऑनलाइन आवेदन किए गए, जिसकी लिस्ट आज पंचायत परिसर में चिपकाई गई है, जिससे पात्र महिलाएं अपने नाम को देख सकें। ग्राम पंचायत के सचिव हरिओम सेन ने बताया कि ग्राम पंचायत मियाना में दिनांक 25 मार्च से 30 अप्रैल तक लाडली बहना के ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। कल 30 तारीख के बाद जिन बहनों ने ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं उनकी लिस्ट आज पंचायत परिसर में चिपका दी गई है। साथियों ने बहनों से निवेदन किया है कि जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करा ले एवं DBT का कार्य भी पूरा करा ले, जिससे किसी भी बहना को योजना का लाभ लेने से परेशानी का सामना न करना पड़े। ऑनलाइन आवेदन के बाद अब पात्र का अपात्र की स्थिति का पता लगाया जाएगा, जिसके बाद 10 जून से लाडली बहनों के खाते में 1000 प्रति महा शासन की ओर से दिया जाएगा। मियाना से मोहन शर्मा की खास। आज जो ये पर्ची लगाई वो कैसा क्या है सर? ग्राम पंचायत पे आज वो लाडली बहनों की सूची हमने की है, चश्मा की है आज। ये अगर किसी को भी है ना आपत्ति हो ना, वो है ना अपनी अपनी वो आपत्ति दर्ज कराएं। आपका परिचय? आपका परिचय? सचिव म्याना। धन्यवाद। सड़क हादसे में घायल पिता पुत्री को समाज सेवी कुशवाहा ने पहुंचाया अस्पताल। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को जल्द से जल्द उपचार मिलना आवश्यक होता है। कभी कभी उपचार मिलने में होने वाली देरी के चलते घायलों की मौत भी हो जाती है, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को अस्पताल पहुंचाने में लोग कतराते हैं।
और पुलिस व एम्बुलेंस के इंतजार में महत्वपूर्ण समय गवा दिया जाता है। लेकिन विगत दिवस बजरंगगढ़ के नजदीक घटित हुए सड़क हादसे में घायल पिता पुत्री को अस्पताल पहुंचाने में समाजसेवी हेमंत कुशवाहा ने जरा भी देरी नहीं की और घायलों को अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया, भर्ती कराया। रविवार को बजरंगगढ़ निवासी धीरज अहिरवार अपनी छोटी सी बेटी के साथ बाइक से गिरकर सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। आपको बता दें कि बजरंगगढ़ नदी के पास यह हादसा हुआ था। घटना के बाद मौके पर काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी, लेकिन वहां से गुजर रहे हेमंत कुशवाहा ने जब पिता पुत्र को घायल अवस्था में देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी कार में उन्हें बैठाकर बजरंगगढ़ थाने में सूचना दी और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन की अनुशंसाओं को आज तक भी लागू नहीं किए जाने को लेकर चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज से प्रदेश भर की तरह गुना जिले में भी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया है। फिर भी मांगे नहीं मानी जाने पर आगामी 3 मई से प्रदेश भर की तरह गुना जिले में भी सभी चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 वर्षों से प्रशासन भी चिकित्सकों के हितों के प्रति उदासीनता, न्यूनतम संसाधनों में कार्य करवाने की नीति व चिकित्सकों के प्रति असंवेदनशीलता जैसे परिस्थिति पर लगातार ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं। चिकित्सकों के संगठनों द्वारा विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से की जा रही मांग पर मुख्यमंत्री जिला उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसी को लेकर पिछले 2 माह में कई बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी सरकार की ओर से कोई आदेश जारी ना हो पाने पर से चिकित्सकों के 16 अप्रैल 2023 को इंदौर में आयोजित महासम्मेलन में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसी के बाद चिकित्सकों के विभिन्न संगठनों के महासंघ के आह्वान पर मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की जिला इकाई के बैनर तले लामबंद चिकित्सकों ने आज से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। आज खाली पट्टी बांध का विरोध किया जा रहा है, किस रूप से विरोध किया जा रहा है? ये अभी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है MPMO के द्वारा। ये गुना ब्रांच के सभी डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं और एक सांकेतिक विरोध है। आज 2 तारीख को 2 घंटे बंद रखा जाएगा और 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक हम लोगों ने CHMO साहब और प्रशासन को ज्ञापन दिया है। सर क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर स्कीम के तहत, मतलब समय के साथ टाइम बाउंड प्रमोशन हो, जो हमारी प्रशासनिक दखलंदाजी हो रही है उसको रोका जाए और बहुत सारी मांगे हैं जो हम लोगों ने ज्ञापन के थ्रू दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव मनोहर मिरोटा अपने पार्टी पद अधिकारियों के साथ मजदूर चौक जयस्तंभ चौराहे पर पहुंचे, जहां पहुंचकर मई दिवस के बारे में और मजदूरों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। वर्तमान में सरकार ने समस्त मजदूर कानून खत्म कर सिर्फ 3 संहिता लागू कर दी, जिससे उद्योगपति और कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचा सके। मौजूदा सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। 1886 की क्रांति की ज़रूरत फिर से आ गई है, क्योंकि सिख कगों में हजारों मजदूरों ने अपनी कुर्बानी देकर काम के घंटे निर्धारित कराए थे। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार के साथ निर्धारित किए थे, किंतु मोदी सरकार ने लेबर ला खत्म करके फिर काम के घंटे 12 कर दिए हैं और मजदूरी पूर्व अनुसार ही है। इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी के सह सचिव अमीर उल्ला खान ने भी अपनी बात रखी और ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष मुश्ताक खान ने भी अपनी बात रखी और इंटक के राजेंद्र तिवारी ने भी मजदूरों को संबोधित किया। पार्टी के नेताओं ने मजदूरों को केले बांटकर मई दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी के जीवन अहिरवार, सरफराज खान, हरिओम कुशवाहा, अन्ना हजारे, अंसार खान आदि लोग उपस्थित थे। की बात है 1800 में मजदूरों के पहले काम के घंटे तय नहीं थे,
कौन आदमी कितने घंटे तो काम करेगा, कौन कितने घंटे सोएगा, कितने घंटे खाएगा, परिवार के साथ रहेगा। उस समय क्या है कि राजशाही थी, राजाओं का शासन चलता था, मजदूरों से 18-18 घंटे काम करवाते थे। तो एक लड़ाई चली कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार के साथ। इस लड़ाई में मजदूर आपन जैसे सारे लोग जब हुए इकट्ठे तो वहाँ पर पुलिस ने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंडल द्वारा मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज दो जगह पर मंडी और आनंदम में कार्य कर रहे मजदूर, हमाल, सब्जी विक्रेता आदि मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों को साफी पहनाकर शरबत का वितरण किया। इस पुनीत कार्य में उपमा राठी, कल्पना विजयवर्गीय, ज्योत्सना जैन, निष्ठा गर्ग, संगीता मंगल, अनीता मित्तल, रश्मि सुखद, संध्या मित्तल, अंतिमा बंसल, उमा विजयवर्गीय, उषा विजयवर्गीय, अलका बिंदल, रेणु गर्ग, आशा मित्तल, मोहिनी बिंदल, शशि खंडेलवाल आदि सखियों का सहयोग रहा। जी बताएं क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंडल से मैं ज्योत्सना जैन, आज 1 मई है, 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं। इन्हीं के कारण आज हम आराम से ठंडी ठंडी छतों के नीचे रह रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इनके साथ में आकर एक दिन इनके साथ बिताया जाए, ये सोच के हमारा मंडल आज मंडी में आया है। मंडी में मजदूर जितने भी काम कर रहे हैं उनको साफी उड़ाई है और ठंडा शरबत पिलाया गया है, और साथ ही यहाँ पे जितने भी सब्जी बेचने वाले हैं उन सभी को भी साफी उड़ाकर उनका सम्मान किया गया और ठंडा शरबत पिलाया गया है। अहि रावण मेघनाथ रावण को मार अयोध्या लौटे राम, हुआ राज तिलक, रामलीला का समापन। म्याना में चल रही पिछले 14 अप्रैल से रामलीला का समापन कल दिनांक 30 अप्रैल की रात्रि को हुआ। कल के रामलीला मंचन में भगवान राम द्वारा रावण को मारकर अयोध्या लौटकर राज तिलक हुआ, इसके साथ ही रामलीला का समापन हुआ। आपको बता दें कि म्याना में पिछली 14 अप्रैल से म्याना कला मंडल की ओर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा था, जिसका कल अंतिम दिन था। अंतिम दिन में सर्वप्रथम गुना एसटीओपी युवराज सिंह चौहान एवं थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह चौहान द्वारा भगवान राम की आरती उतारी गई। इसके बाद अहि रावण भगवान राम को पाताल लोक ले गया व हनुमान जी द्वारा वापस लाकर रामादल में सम्मिलित किया गया। राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ, अंत में राम के द्वारा रावण को मारा गया। रावण मरण के उपरांत भगवान अयोध्या आए, उनका राजतिलक किया गया। म्याना के कलाकारों द्वारा रामलीला में सुंदर सुंदर पात्रों द्वारा मंचन किया गया। म्याना से मोहन शर्मा की खास रिपोर्ट। सीएम राइस स्कूल में बच्चों का समर कैंप प्रारंभ। आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के निर्देशानुसार तथा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन एवं जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में आज सोमवार से समस्त सीएम राइस स्कूलों में समर कैंप प्रारंभ हुआ। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने बताया कि जिले के सभी सीएम राइस स्कूल में 13 दिन के समर कैंप में कक्षा 3 से लेकर 12 तक के स्कूल के बच्चों को योग, गायन, खेल सहित विभिन्न कौशल युक्त सृजनात्मक गतिविधियों से परिचित कराया जाएगा। स्कूलों द्वारा इसकी व्यापक तैयारियां कर विभिन्न क्षेत्रों में परंपरागत विद्वानों के द्वारा संगीत, खेलकूद, योगाभ्यास, नृत्य की विधाओं, चित्रकारी आदि विभिन्न गतिविधियों पर आनंदमय तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना प्रारंभ किया है। समर कैंप 1 मई से 13 मई तक प्रातः 8 से 10 बजे के मध्य संचालित होंगे। कैंप के समापन पर बच्चों द्वारा सीखी गई गतिविधियों पर अपना प्रदर्शन भी किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी बच्चों एवं प्राचार्य को समर कैंप को सफल बनाए जाने हेतु शुभकामनाएँ भी दी। आज गुना जिले का विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति समाज का कार्यक्रम नगर के एक निजी होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित प्रांतीय संयोजक लखन विश्वकर्मा ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर अंतिम पंक्ति में खड़े हमारी इन समाजों के परिवारों को हमारे साथ खड़ा करना है। हमारी ये समाज किसी भी प्रकार की सामाजिक सुविधा से वंचित ना रहे। लखन विश्वकर्मा ने कहा कि सभी हिंदू सहोदर हैं, कोई भी हिंदू छोटा या बड़ा नहीं है। कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मंत्री बाबूलाल बंजारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी समस्याओं का निदान शीघ्र किया जाए। कार्यक्रम में इन समाज की 12 जातियों के लोग सैकड़ों की संख्या में परिवार सहित उपस्थित
रहे। कार्यक्रम में उपस्थित इन समाजों के लोगों से जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि गुना जिले में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार देखने को मिला। कार्यक्रम लगभग 3 घंटे चला। कार्यक्रम में मुख्य बात ये रही कि कार्यक्रम के दौरान सभी लोग परिवार सहित पूरे समय उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सामूहिक राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ मिलकर भोजन किया। आज जो गुना जिले में घुमंतू समाज के लिए बृहद बैठक की गई, ये बैठक का उद्देश्य था कि गुना जिले में जितने भी घुमंतू समाज के बंधु रहते हैं, ऐसे सभी बंधुओं की सूची के आधार पर जो जो स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ इनको मिलना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में ये जुड़ना चाहिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, दस्तावेज है, ऐसे इनके इनको सभी प्रकार का लाभ मिले, इनके बच्चे पढ़ें और ये भी अब मुख्य समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले और जो अपना हिंदू समाज है, ये हिंदू समाज के साथ सभी कार्यक्रम सभी त्यौहार मनाएं, जिससे कि हमारा जो वृद्ध हिंदू समाज है एक साथ होकर खड़ा हो सके। शुभ नाम क्या भाई साहब आपका? लखन विश्वकर्मा, प्रांत संयोजक घुमंतुकार।